हेलो एवरीवन दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन नाउ वी विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर सेवेंटी सिक्स यूज़ अ सिंपल पास टेंस अप्रोप्रिएटली सो हियर इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज एंड वर यहाँ आपके फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है वॉज और वर को यूज़ करके सो so स्टार्ट करते हैं ये क्लास फोर्थ फिफ्थ की वर्कशीट है ओके okay, आपके इंग्लिश की वर्कबुक से नंबर वन यहाँ दे रखा है आई आई के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं ओके सो आई वॉज़ क्रॉसिंग द रेड लाइट वैन द एक्सीडेंट टुक प्लेस सेकेंड वन इज अंजलि अगर किसी का नेम है तो वहाँ पे आप वॉज का यूज़ करोगे और आई के साथ ऑलवेज वॉज का ही यूज़ होगा आप वर्क का यूज़ नहीं कर सकते सो अंजलि वॉज एट होम यस्टरडे अंजलि कल घर पर थी ओके okay? सो so, ये हैं आपके पास्ट टेंस पास्ट में आप मोस्टली वॉज वर्क का ही यूज़ करते हैं और जहाँ हमें इंडिकेशन होता है येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल नॉट टुमारो टमोरो आपका यूज़ होगा अगेन इन फ्यूचर फ्यूचर टेंस में ओके सो थर्ड वन इज द डॉग वॉज वार्किंग इन द नाइट तो डॉग सिंगुलर है तो यहाँ पे भी आप वॉज का यूज़ करेंगे वार्किंग इन द नाइट कुत्ता रात में रहा था। फोर्थ है आपका इन रेन। तो यहां आपका तो पे ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव क्यों है क्योंकि यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज वर वो आपकी स्टार्टिंग में आ रही हैं। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस मीन्स इंटैरोगेटिव सिंगल इंटेरोगेटिव जिसको हम बोलते हैं ओके okay? इसको हम सिंगल इंटेरोगेटिव बोलते हैं और डबल इंटेरोगेटिव होते हैं जिनमें आपका आगे डब्ल्यू एच वर्ड लगा होता है जैसे वाई वैन हाउ ओके okay? सो so, ये है आपका सिंगल इंटेरोगेटिव वॉज गणेश डांसिंग रेन क्या गणेश बारिश में डांस कर रहा था अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ वाला देखेंगे तो फिफ्थ में हमने यूज किया है वॉज तो ही सी इट ओके अगर ही है सी है इट है या फिर किसी का नेम है तो वहाँ आप वॉज़ का यूज़ करोगे तो यहाँ हमने किसका यूज़ करा है वॉज़ का सी वॉज इन कनाडा लास्ट मंथ वो लास्ट मंथ मीन्स कनाडा में थी सिक्स है आपका वी तो यू हो गया आपका वी हो गया या फिर दे ओके यू वी दे इनके साथ आप यूज़ करोगे वर्का. तो सिक्स्थ में हम किसका यूज कर रहे हैं वर्का वी वर एट स्कूल लास्ट संडे हम स्कूल में थे पिछले संडे रविवार को सेवन देखेंगे सेवन में द गर्ल्स गर्ल्स मीन्स प्लूरल में आ रही हैं बहुत सारी लड़कियां हैं तो यहाँ भी हम वर्का यूज़ करेंगे द गर्ल्स वर क्लाइंबिंग ऑन द ट्री लड़कियां पेड़ पर चढ़ रही थी नेक्स्ट एट नंबर आता है आपका एट देखेंगे तो एट में है दर्ड्स ठीक है पक्षी बहुत सारे हैं तो द दर्ड्स वर रिटर्निंग होम पक्षी अपने अपने घर वापस लौट रहे थे नाइन दे वर रीडिंग अ कॉमिक बुक तो दे मैंने बताया आपको यू वी दे अगर प्लूरल आ, नाउन्स हैं आपके तो वहाँ पे आप वर का यूज़ करेंगे दे वर रीडिंग अ कॉमिक बुक ओके सो तो यहाँ पे अब हम टेन देखेंगे अब ये भी आपका क्या है इंटैरोगेटिव सेंटेंसेज है इंटैरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका क्वेश्चन मार्क होता है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है तो ये भी आपका डब्ल्यू एच वर्ड से नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें केवल सिंपल पूछा जा रहा है वॉज दिनेश हंगरी क्या दिनेश भूखा था नेक्स्ट इलेवन देखेंगे आप चिल्ड्रन वर हंगरी अब बच्चे बहुत सारे हैं अगर चाइल्ड होता तो वॉज़ का यूज़ करते आप चाइल्ड वॉज हन्गरी बच्चा भूखा था यहाँ पर चिल्ड्रन है चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे तो चिल्ड्रन वर हंग बच्चे भूके थे नेक्स्ट आपका आता है ट्वेल्व ट्वेल्व में आपका ये भी आपका इंटैरोगेटिव है सेंटेंस तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रमेश एंड सुरेश गोइंग टू जयपुर तो रमेश एंड सुरेश ओके दो लोग हैं मतलब प्लूरल वे में आपसे पूछा जा रहा है तो वर वर रमेश एंड सुरेश गोइंग टू जयपुर क्या रमेश और सुरेश जयपुर जा रहे थे अब अगर एक होता है यहाँ पे रमेश होता तो हम किसका यूज़ करते हैं वॉज का वॉज रमेश गोइंग टू जयपुर ओके okay, बट यहाँ पे टू पर्सनस हैं तो हमने यहाँ वर का यूज़ किया इट्स करेक्ट और नेक्स्ट है आपका थर्टीन तो यू यू के साथ आप ऑलवेज़ वर्क का यूज़ करोगे यू वर अ गुड स्टूडेंट तुम अच्छे विद्यार्थी थे ओके okay? सो so ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है वर्कशीट नंबर है हमारी सेवेंटी सिक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें थैंक्स फॉर वॉचिंग